यहाँ पे बनना है। बुग्गी घेर में छोड़ के, हाँ वहाँ मिट्टी डाल के खाली बुग्गी छोड़ के, बुग्गी घेर में छोड़ के लापता। बल्लाव चलता है इसके घर ना। यही कपड़े पहने था जो कपड़े पहने। तेरे को तो ये गांव इटावा में हत्या हुई थी और वो लड़का 1 तारीख से गायब था। उसका नाम है भूरा, भूरा कहते हैं गांव में उसको। और उसके घटनास्थल पे एसपी ग्रामीण में और सारी टीम लगाई गई थी, फॉरेंसिक टीम का भी सहयोग लिया गया था इसमें। आज एक लड़का पकड़ा गया है अंकित, उसी गांव का। उसने ये पूरी घटना का खुलासा किया है। वो घटना में था, उसके साथ 2 लोग और थे इस घटना में शामिल, उसके चाचा हैं वो। और इस सबके पीछे एक लड़की को छेड़ने का, उससे अवैध संबंध बनाने का मामला है। इसी शक में जितेंद्र जो उस लड़की का चाचा, उसने उसको बुलाया था और खेत में उसकी मारपीट की, उसके साथ उसका गला घोंटा, उसकी हत्या कर दी थी। सब उसको किसी दूसरे के नाम लग जाए इसलिए उसको दूसरी जगह डाल दिया था, दूसरे खेत में डाल दिया था। इससे पूर्व में भी जितेंद्र ने 2007 में एक हत्या की थी, वो मुकदमा उस पर अभी चल रहा है। वो प्रकरण भी कुछ इसी तरह का था। घटना स्थल जहाँ इन्होंने मर्डर किया था, उस जगह से इसकी निशानदेही पे जो पकड़ा गया है लड़का अंकित, इसकी निशानदेही पे वहाँ से वो कपड़ा धोती बरामद हो गया है, जिससे उसके हाथ पैर बांध के मुंह बांधे थे, तथा जिससे उसके गला घोंटा था। सर कितने लोग हत्या में शामिल? ये अभी तक जो इसने बताया उसके हिसाब से 3 लोग शामिल थे।